ए जिजी, तुमने आज घर पे ही बर्जिश शुरू कर दी? अरे वो जिम में कुछ 2 दिन के लिए मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो बंद रहेगा। हाँ तो 2 दिन के लाने तुम भी आराम करो। आराम किस खुशी में? देखो जहान को जब स्कूल बंद होते हैं तो वो आराम कराते हैं, भैया को जब ऑफिस बंद होते हैं तो वे हमाओं आराम हराम कराते। क्या हमाओं मतलब है कि उनके आराम को ख्याल हम रखते हैं ना, तुम भी आराम करो। तुम्हारे लिए तो जिंदगी में 2 ही चीजें इम्पोर्टेंट है, एक आम और दूसरा आराम। चिची बात तो तुमने बहुत ही अच्छी करी, आम रस के बाद आराम रस को जो मजा है बाकी बात ही कुछ और है। अब तुम आम रस को छोड़ो और कमर कसकर घर की सफाई करो। ठीक है। अरे ये सब छोड़ दो, ये मैं उठा लूंगी। अरे हम कर ले जिजी, हमने कमर कस ली, ये भी भारी है बहुत। अरे जिजी गांव में 50-50 किलो की बोरी उठाते हम। अच्छा उठाओ। हाँ ये देखो। बजरंग बली बजरंग बली, और देखो अरे वाह बेबी, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बड़ी कमाल की है। अरे जिजी हम वो पाउडर आउडर नहीं खाते ना, हम खाओ थे देसी खाना, वो भी 3 टाइम। बस 3 टाइम? 3 टाइम खाना और 3 टाइम नाश्ता और 4-5 बार चाय लगा लो। जिजी तुम भी तो खाना शुरू कर दो। अरे अरे थैंक यू वेरी मच, मैं अपने वेट और वेट्स दोनों से बहुत खुश हूँ। ठीक है मैं ये रख दूंगी। अरे सुना उसे जिजी कैसी हो? फिलहाल तो बहुत गुस्से में हूँ। अरे कहाँ होगा? रोनी का है। रोनी जिजी नहा रही है, तुम कछु ले आओ। जहर है घर में? जहर तो नहीं जिजी, घास लेट है और काकरोच मारने वालों स्प्रे। लेकिन बासी अगर हम तुम्हें मार दें तो काकरोच कैसे मार? क्या अरे जोक मार रहे जिजी, तुम्हारा मूड अच्छा कर वे लाने। हाय सोनाक्षी कैसी हो? बहुत ही गुस्से में। तुमने कुछ किया? अरे उसकी बात छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। सुनाओ रोहिणी, अगर कभी भी मैं कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाऊं और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ। और अगर लाइफ में मैंने किसी भी चीज के लिए स्टैंड लिया तो क्या तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी? हाँ। जिंजी खड़ी हो जाओ। क्यों? कह रही ना स्टैंड। रोहिणी अगर जिंदगी में कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले तो क्या तुम सिर्फ मेरी बात पे विश्वास करोगी विदाउट लिसनिंग टू देम? डिपेंड्स। डिपेंड्स? रोहिणी अगर ये सवाल तुम उनसे करती ना तो मैं विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलिड कहती कि यस मैं सिर्फ तुम्हारी बात पे विश्वास करूंगी। आई गेस आई एम नॉट द सेम। सोनाक्षी आई रिस्पेक्ट आवर फ्रेंडशिप बट आई लाइक टू यूज माई ब्रेन्स ऑल्सो। लिसन यू कैन ट्रस्ट मी, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। दोस्त हो तुम मेरी। दोस्ती प्यार है रोहिणी, और प्यार में ना ये सब देखा नहीं जाता। नहीं जी, प्यार दोस्ती है जिस शाहरुख खान ने बताई है बापिलम में, कभी खुशी कभी गम। अरे कभी खुशी कभी गम नहीं, कुछ कुछ होता है। तुम कुछ कुछ होता है को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? रोहिणी क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ गुजार सकती हूँ? क्यों? क्योंकि मैं समीर के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती हूँ। अरे तो कहा तुम जिंजी के साथ गुजारो, लेकिन जिंजी तो भैया के साथ गुजारा। बेबी तुम चुप करो यार, तुमने सोनाक्षी को चाय पानी कुछ पूछा? हाँ जिंजी इन्हें कहीं जहर दे दो तो पानी में घोल के नहीं चाय में मिला के। तुम अंदर जाओ प्लीज। सोनाक्षी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ तुम रह सकती हो। थैंक यू। पर एक बात है, प्लीज मुझसे एक भी बार मत पूछना कि मेरे साथ क्या हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी और किसी को भी नहीं मिलूंगी। और उसके बाद जो भी होगा दैट बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेबी क्या हुआ तुम्हें? अरे जिजी कमजोरी आ गई। कमजोरी हो रही है? सुबह से क्या खाया तुमने? जिजी ब्रेकफास्ट करो तो बाकी बाद लंच करो और 3 उबले अंडा खाए, बाकी बाद का जो खावे को मन नहीं हो रहा। इतना ठूस के बैठी हो, पेट का भी तो मन भर गया होगा। कहाँ? मैं कह रही हूँ गैस वैस हो गई होगी, थोड़ा चल लो। जिजी तो उठने को नहीं हो रहा, तुम चलवे की बात कर रही? रीढ़ की हड्डी बीचों बीच से पिरा रही जिजी।
तालू में ऐसी खुजली हो गई कि पूछो नहीं, हाथ पैर ऐसे अकड़ गए कि मानो टूट के अभी गिर जाए, पैर के अंगूठा से लेके कूल्हे की हड्डी तक ऐसे करंट की तरह दौड़ रहा है दर्द, और दिमाग पिरा रहा हूँ हमाओ, मूड नहीं पिरा रहा चिची, दिमाग पिरा रहा हूँ, और जहाँ गर्मी में ठंडे ठंडे पसीना आ रहा है। ठीक है, चाय जल्दी से फिनिश करो और अंदर आओ। हेलो समीर। हाय रोहिणी, व्हाट्स अप? नथिंग, यू टेल मी। अरे वो एक्चुअली ऋषि का फोन नहीं लग रहा था तो मैंने तुम्हें फोन किया। हाँ, वो एक्चुअली एक रिमोट लोकेशन में शूट पे गया हुआ है। ओके ओके ओके। एनीवे मैं क्या सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए ना हम लोगों को मिलके, तो सोनाक्षी को लेके मैं आऊं? अगर वो तुम्हारे साथ है तो आ जाओ। अरे सोनाक्षी कहाँ जाएगी, सोनाक्षी तो मेरे साथ ही होगी ना। तुम्हारे साथ है तो बात करो। अरे मेरे साथ है, मेरे पास थोड़ी है, वो किचन में बिजी है। एनीवे तुम्हारी कुछ बात हुई है क्या सोनाक्षी से? नहीं तो क्यों, तुम्हारी नहीं हुई? अरे मेरी तो रोज बात होती है उससे। मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ आने को लेकर कुछ सोनाक्षी से बात हुई है तुम्हारी? नहीं तो। ओके एनीवे तुम्हारी कुछ बात होगी तो मुझे जरूर बताना। क्यों, वो नहीं बताएगी? नहीं नहीं, क्योंकि फिर मैं उससे उस बारे में बात नहीं करूंगा ना। अब बात ये है कि बात बात पे क्या बेचारी सोना को परेशान करना, तो ओके बाय। ओके बाय। हाँ जी जी, बैठ जाने। हाँ बैठो यार। बेबी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। हमें मालूम है जिज्जी कहाँ आओ। क्या नजर लग गई? नजर किसकी? तुम्हारी। मेरी? और का जिज्जी, सुबह हम तुम्हें इतने बर्जिस करके नहीं दिखा रहे थे तो तुमने हमसे क्या कही थी? वो बेबी तुम कितने स्ट्रांग हो गई हो, तभी से हमारी तबीयत खराब हो गई। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोनाक्षी और समीर की बात कर रही हूँ। आखिर समीर ने किया क्या? अरे कर दू हुए कछु, हमेशा कछु न कछु गलती तो करते रहते हैं। अरे लेकिन अगर गलती समीर की है तो सोनाक्षी को समीर को घर से निकालना चाहिए था, वो खुद क्यों घर छोड़ के आ गई? चिच्ची फिर तो समीर भैया ने गुनाह कर दिया। गुनाह क्या? देखो जी, ऐसे मामलों में दो ही बात हो सकते हैं, या तो समीर भैया को हाथ उठ गया या मन उठ गया। क्या बात कर रही हो तुम, हाथ उठ गया? समीर की उसके सामने आवाज नहीं उठती, हाथ क्या उठाएगा बेचारा? वो तो हर गलती का ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, सोना सोना करके आगे पीछे घूमता है बेचारा, हर बात मानता है उसकी। हाँ जी, लेकिन सहमे की भी तो कोनो सीमा होता है। सोनाक्षी के केस में इस सीमा की कोई सीमा नहीं है। जिज्जी फिर तो ये चक्कर समीर भैया और सीमा को है। सीमा? समीर भैया को कोनो और मिल गई, क्या की सोनाक्षी जीती तो वैसी टॉस से है ना। क्या? अरे जहर है, जहरीली है वो, समीर भैया पे इतने अत्याचार करत है कि क्या बताएं। आप सोचो कोनो आदमी को घर के अंदर इज्जत नहीं मिले, प्यार नहीं मिले, सुकून नहीं मिले, तो फिर वो क्या करत है? क्या करता है? घर की सीमा को लांग के बाहर की सीमा से दोस्ती करत है। आओ मुझे बात करनी है तुमसे कुछ, आओ ना बैठो। मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ है। हाँ आज इंस्टाग्राम डाउन चल रहा है ना, मैं कब से स्टोरी पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे इंस्टा स्टोरी की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी लाइफ की स्टोरी की बात कर रही हूँ। मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ है। मैंने समीर से बात की, मैंने मना किया था रोहिणी, मैं जा रही हूँ। सुनो सुनो सुनो, उसका कॉल आ रहा था तो मुझे उठाना पड़ा, अगर मैं नहीं उठाती और वो यहाँ आ जाता तो। आई एम सो सॉरी सोनाक्षी। अरे प्लीज तुम सॉरी क्यों बोल रही हो यार, रहने दो। नहीं, आई एम सॉरी फॉर यू। कभी सोचा भी नहीं था कि समीर इतनी घटिया हरकत कर सकता है। हाँ जी, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, कब से चल रहा है सब? आज सुबह ही सब कांड हुआ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो आज से पहले तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं था क्या? चोरी चोरी चुपके चुपके। अरे मुझे सपना थोड़ी आएगा कि ये सब करने वाला है। तो कैसे हुआ, मतलब तुमने उससे पकड़ा कि उसने खुद ही कन्फेस किया? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ हु इज शी? कौन सी? अरे वही जिससे समीर का अफेयर चल रहा है। समीर का अफेयर चल रहा है?
उसने तुम्हें बताया? नहीं, उसने नहीं बताया। तो किसने बताया? बेबी ने। बेबी ने? नहीं, हमने तुझे कही थी कि ऐसा हो सकत है। क्या हो सकता है? कि समीर का अफेयर चल रहा है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब समीर भैया को जो दूसरा गुना है। दूसरा गुना? तो पहला गुना क्या है? समीर भैया ने दूसरा गुना पहले करो है। क्या? समीर ने तुम्हें, हाँ रोहिणी, समीर ने मुझे थप्पड़ मारा उल्टे हाथ का।